दोस्तों बिग बॉस ओटीटी में एक बार फिर से नए सदस्य की एंट्री हो रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहले सदस्य कंफर्म सदस्य अर्जुन बिजलानी हैं। उनका नाम काफ़ी समय से लिया जा रहा है और वो कंफर्म सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि जब सलमान खान इस शो में फिर से एंट्री करेंगे तो इसमें दिखाई देंगे कि नए सदस्य जैसे अर्जुन बिजलानी की एंट्री होते दिखाई देगी। हालांकि निया शर्मा भी एक बार फिर से बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि निया शर्मा को ऑफिशियली खुद सलमान खान के थ्रू ये ऑफ़र मिला है और उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लिया है। दोस्तों इस बार जो कि बहुत बड़ा तगड़ा धमाल देखने को मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म बिग बॉस के घर में। जी हाँ, अर्जुन बिजलानी और निया शर्मा एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं, जो कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि निया शर्मा एक बार फिर से बड़ा धमाल करेंगी घर के अंदर। इन दोनों के अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती भी इस घर में एंट्री लेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती और निया शर्मा अगर लेते हैं तो वाकई में निया शर्मा का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की बात की जाए तो रिया चक्रवर्ती पर इधर उधर के काफ़ी केस भी चल रहे थे, जो कि हाईलाइट को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हाईलाइट हुई थी रिया चक्रवर्ती। लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म बिग बॉस में काफ़ी बड़ा धमाल तब देखने को मिलेगा जब एक बार फिर से निया शर्मा, क्योंकि निया शर्मा काफ़ी छोटे उम्र के एक्टर्स हैं और अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक किरदार किए हैं, तो रिया चक्रवर्ती पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि सुनने में तो ये भी आया था कि राहुल वैद्य की पत्नी, जी हाँ दिशा परमार की बात कर रहा हूँ, दिशा परमार भी बिग बॉस ओटीटी के घर में एंटर हो सकती हैं, लेकिन अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।